आजमगढ़ जिले की फूलपुर सीट से भाजपा के विधायक रहे अरुणकांत यादव इस बार विधानसभा नहीं विधान परिषद में जाना चाहते हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिले की फूलपुर विधानसभा से 2017 में अरुणकांत यादव भाजपा के सिंबल से चुनाव जीते थे। 10 विधानसभा वाले इस जिले में भाजपा को एकमात्र फूलपुर सीट से ही संतोष करना पड़ा था। इस बार भी अरुणकांत यादव के भाजपा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, पर इस बार अरुणकांत यादव विधानसभा का नहीं विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने बाहुबली सांसद अरुणकांत यादव के पिता रमाकांत यादव को सपा का प्रत्याशी बनाया है। 10 दिन पूर्व अरुणकांत यादव ने कहा था कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। पिता से मुकाबले के सवाल पर कहा कि हमारी विचारधारा अलग है, पर अब अरुणकांत यादव के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर विधान परिषद चुनाव लड़ने की तस्वीरें व पोस्ट भी हो रही हैं। फूलपुर विधानसभा से भाजपा विधायक अरुणकांत यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, इस बार विधान परिषद का चुनाव लड़ना है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अरुणकांत यादव का कहना है कि फूलपुर विधानसभा से जो भी भाजपा का प्रत्याशी घोषित होगा उसकी पूरी मदद की जाएगी। अभी तक भाजपा ने फूलपुर विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।